जानो जो बात कर लो, चाचा बैठे तुम्हारे बगल में, पापा भी बैठे हैं, पापा ही बैठे हैं, हाँ बात कर लो। हाँ पापा, कैसे हो? कैसे हो? कल किसने किया था हमारे साथ ये समस्या क्यों आई थी? छबीला ने किया, छबीला ने मारा मुझे। मुझे मारा? तुमने कुछ किया? मैंने तो किसने किया मुझे तो बता दे कुछ। नहीं तुम बात करते रहो, हम बात से बताएंगे, तुम बात करते रहो। बाबा से इनके झूठे में सब पता है। बाबा ने आपने कुछ नहीं किया? मैंने तो कुछ नहीं किया भाई। हमने तो पालने में तुम्हें कुछ कमी छोड़ी थी? कुछ नहीं छोड़ी थी। कहीं पे कोई कमी नहीं थी जीवन में? नहीं, मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था। हाँ, अपने पापा को बहुत प्यार करता था मैं, बहुत हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लड़ाई के लिए क्या बोलते तब तैयार रहता था, पापा कहें तो सही, एक बार तैयार था हर चीज़ के लिए। पढ़ने में भी क्या होता मैं बहुत अच्छा था, जॉब बहुत तो मिलता थी, लेकिन पापा ने क्या होता बहुत ताने मारे जॉब के लिए। एक बार तो ये भी कह दिया कि जॉब ना मिले ना, जॉब तेरी लग जाए तो मेरे मुँह पर थूक दियो तू। ये बहुत गलत बोला था पापा ने, बोला पूछ लो है पापा है, लेकिन आपने लेकिन पापा आपने ये गलत बोला था, आपको नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, बोलते ही बेटा, माँ बाप तो खर्ची होता बच्चों से। जॉब हम मेहनत कर रहे थे, सब कुछ कर रहे, अब हमारी किस्मत है, लगे तो लगे नहीं तो नहीं लगे। किसी को प्रेशराइज तो मत करो, बहुत प्रेशर आ जाता था दिमाग पर, बहुत प्रेशर रहता था कि मैं नहीं लगा तो क्या होगा। खैर आप तो इतने ऊँचे ऊँचे ख्याल, बच्चे में इतनी दिमाग है या नहीं है ये नहीं पूछा, IAS बनाने चले तुम तो हर बच्चे को। एक मर गया तो दूसरे को IAS, दूसरा मर गया तो तीसरे को IAS, और नहीं तो बहू को भी IAS। हैं जो बहू आई है वह क्या हुआ, तो वहाँ तक आप तुम MA करवाने के उसका मन नहीं है, उसको घर में रहना है, उसको नहीं करना, बच्चों को पालना है उसको, लेकिन फिर भी तुम करवा रहे हो। हाँ बोला चाचा, बोलो। माँ बाप का फर्ज होता है उम्मीद लगाना औलाद के ऊपर, उम्मीद करना। हाँ होता है फर्ज होता है। तुम्हें ये बोलो, तुम्हें कहाँ पर कमजोरी नजर आई, हम क्या खर्च करने में कमी छोड़ी थी? नहीं यार तो इतना करते थे बाबा, इतना प्यार करते थे मुझे, मतलब सबका लाडला था मैं, दादा से लेके पापा तक सबका लाडला। अच्छा, इन्हीं से मेरी मतलब इनकी छाती फूली रहती थी मेरे को देख के, मुझे पता था तुम्हारी इन लोगों की छाती फूल जाती थी। हाँ देख के क्या होता, अरे बहुत ये घमंड था इनको। अच्छा हाँ मैं अष्टपुष्ट था, जिम भी ज्वाइन किया, अखाड़े भी ज्वाइन किया, फिजिक्स ऑनर से पास किया था मैंने, जब कोई बच्चा पास नहीं हुआ था 150 में से, तब तेरे बच्चे पास। मृत्यु कैसे हुई? मेरा BP लो हो गया। BP लो हो गया कैसे? रात में 3 उल्टियां हुई। हाँ। 3-4 उल्टियां हुई। पापा ने मुझे शहर आया भी था रात में, पापा के कमरे में गया था, उसी में बाथरूम थी, वहाँ पे पापा ने वो भी किया, पापा वहाँ पे एम्स में वहाँ पे चले गए अपोलो हॉस्पिटल। रात में सीरिंज लगा, नीचे नर्स रहती थी एक, तो उसने कहा ना कि वो ड्रिप वगैरह कुछ लगा दूंगी, पानी वानी ग्लूकोज वगैरह, उससे ठीक हो जाएगा। तो पापा चले गए, लेट आए थोड़े, 1-1.5 घंटे हो गई, तब तक इनका मेरा मतलब वो डाउन हो गया, ठंडा पड़ने लगा। और ये जो लड़का है ना, इसको पता तो चल गया था स्टार्टिंग में, ये बहुत इसके चिपक के ही सोता था, हाथ पे ऐसे करके सोता था, कभी आज तक इसने चड्डी भी नहीं खरीदी अपनी, कुछ भी नहीं, भैया करेंगे जो करेंगे भैया करेंगे, ऐसा था ये। अच्छा एक बार बताओ, इसको कौन मारने का प्रयास करता था? किसको? जिस पे तुम इस समय बात कर रहे हो। इसको बाबा, ये तो आप ही बताओ, तुम क्या करते थे इसके लिए मरने के बाद? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ। मरने के बाद क्या करते थे इसके साथ? मरने के बाद बाबा आप ही बताओ। इसको ले जाने का प्रयास नहीं करा तुमने? थोड़ा थोड़ा किया, थोड़ा थोड़ा किया। बहुत प्यार करता हूँ मैं इसको, ये मेरे बिगर ये नहीं रह सकता, और ये मन मन में भी कहता है ये, भैया मुझे ले जा, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता, मैं तेरे बिगर नहीं रह सकता। इसको इतना ये ऐसा था ये लड़का जो है, अगर पापा शानू को कुछ बोल दें तो इस लड़के को गुस्सा आ जाती थी कि पापा ने, इसका दिमाग खराब हो जाता था। इसको कुछ ज्यादा ही लगा था मेरे से, इसलिए मैं सोच रहा था कि इसको भी साथ में रहे तो हम साथ में चले इसको मार। अच्छा तुम तो अच्छे रहेंगे, और मम्मी पापा का बता दिया उनको क्या होगा? इसमें तो नहीं लगता होगा,
हम लोग तो देख रहे हैं ना क्या क्या किए हैं, क्योंकि इनको मुक्ति नहीं मिली, इनका संहार नंबर 2 हुआ कर्मों के अनुसार। मम्मी का नहीं सोचा मैंने बिल्कुल भी, मम्मी का नहीं सोचा, पापा का नहीं सोचा। लेकिन पापा मुझे पैदा करवा दो अभी, बाबा मुझे पैदा कर दो इसी में कोपल में, तुमने अच्छा काम किया, कोपल के अंदर पैदा कर दो मुझे, मैं अच्छा मेरे को अच्छा कर दो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, मुझे अच्छा कर दो। बाबा मुझे पैदा कर दो बाबा, मुझे पैदा कर दो बाबा। आपने बताया था अच्छा काम देख गया इन्होंने, इसलिए इस दरबार का नियम है, प्रकृति के अनुसार यहाँ व्यवस्था है। गलती होगी मेरे से, मैंने जो भी किया गलती हो गई मेरे से, मैंने किया गलती होगी मेरे से, मेरे को लेकर हम पैदा कर दो, स्थापित कर दो, आपने बैकुंठ लोग भेजा था मुझे पैदा करने के लिए, आपने स्थापित नहीं किया मुझे अभी तक, स्थापित इसलिए नहीं हो पाए कि 2 नंबर संघार हुआ तुम्हारा, टाइम लगेगा थोड़ा, बाबा पैदा कर दो वो बच्ची, बच्चा है जो पैदा हो जाएगा तब करोगे क्या, तुरंत हो जाएगा, उसने कुछ नहीं किया, वो तो ठीक है, वो अच्छा तुम्हारा बाबा, मुझे तुम मुझे नहीं करोगे आप पैदा, हाँ तुम भी जाओगे कब करोगे, अब तुम देखो अच्छा कि तुमने ऐसा कोई काम किया तो तुम तुरंत पैदा हो जाओ घर में, तो आप करो ना इस चीज को, तो आप तो सब कुछ कर सकते हो, अब तो मेरे को पैदा कर दो पहले, आप तो सब कुछ नहीं चाहता, मेरे को कर दो पैदा, मेरे को कर दो पैदा, मेरे को होना पैदा, मैं पहले मरा था, मैं मरा था पहले, मेरे को इतने साल हो गए बता भी गया, कुछ भी कर दो मेरे को पैदा कर दो अभी, राहुल रुक जाएगा थोड़े से दिन, रुक जाएगा ना आ जाएगा, वो रुक नहीं सकता क्या थोड़े दिन, अभी तो उसकी बीवी अभी वो विधवा हुई है, अभी क्या हो तो उसको पैदा कर दोगे उसी को ही, वो तो तुरंत पैदा हो, हम तो इतने साल पहले मरे, तो तुमने गंदा काम किया ना इसलिए, हम तो पैसे तो अच्छे थे, हमने जीते जी तो हमने कुछ भी नहीं किया, मरने के बाद मरने के बाद हो गया तो गलती हो गई हमसे, हाँ तो फिर मरने के बाद की गलती की यहाँ सजा भी है पुरस्कार भी है, कुछ भी कर दो लेकिन पैदा कर दो, मार दो भले ही मुझे दोबारा लेकिन पैदा कर दो मुझे, अभी अभी डालो मुझे, अभी डाल दो बाबा, अभी कर दो मुझे, नहीं तो लॉकडाउन में तुम ये नहीं आएंगे, आप पैदा भी नहीं करोगे मुझे, फिर नहीं करोगे तुम मुझे पैदा बाबा, आप कर दो मुझे पैदा, आप मुझे पैदा कर दो पहले, बाबा मुझे पैदा कर दो बाबा, मुझे पैदा कर दो बाबा, बाबा मुझे पैदा कर दो बाबा, बाबा मुझे पैदा कर दो बाबा, मुझे मेरे सारे दोस्तों ने बिठा दो, गलती होगी मैं माँ बाप की फिर से सेवा करूँगा, बहुत करूँगा बहुत करूँगा, बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा मैं, बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा, अब पोता बन के खेलना चाहता हूँ इनकी गोद में, अब खेलना चाहता तो खिलाने की नहीं देते, खिला दो ना, गलती हो गई मुझसे, जो हुआ उसके लिए गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ उसके लिए, दोस्त मिटा दो ना बाबा, और सबने जितने ने गलती की है फिर सबको बताओ सबने क्या क्या गलती की, सब उन बताओ सबने क्या क्या गलती पता है, किसने किसने क्या क्या किया, पता ही है हमें तुम्हारे बारे में, पता है पहले तुमको बुलाने के पहले इनको मैंने बता दिया,
तुम्हारे बड़े भतीजे ने गड़बड़ काम किया, गंदा काम। मैंने इसको ले जाने की कोशिश की थी, पर उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया राहुल के लिए। कोई आरोप तो नहीं लगाया, यही कहा कि तुमने इसके साथ क्या किया, यही पूछा। हाँ, मैंने कोशिश की, बस लेकर तो नहीं गया, मैं लेके भी नहीं जा सकता। तुमने जो किया हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या किया, इसीलिए तो पूछा कि इसके साथ क्या किया। बाबा आप तो कुछ कर दो, ये भी तो मेरा भैया ही है, मैं गलती हो गई। तो भैया कोई मारता है? दिमाग घूम गया था मेरा, दिमाग घूम गया। मैं सोच रहा आप दोनों वहाँ पे रहेंगे अच्छी तरह से, दोनों ये सही सेवा करेगा मेरी, अच्छा करेगा ये मेरे को, बहुत प्यार करता है ये मेरे को, ये सोचा था मैंने। मेरा दिमाग ही नहीं था मेरे अंदर कि मम्मी पापा पे क्या गुजरेगी दोबारा से, इतने सारे हम मर जाएंगे तो। बाबा मुझे मैंने कहा राहुल को मत भेजो, पहले मुझे भेज दो, राहुल को बाद में भेज दो ना। देखो सानू सुनो, बात सुनो बेटा, जन्म तुमको ही मिलेगा ठीक है, लेकिन पहले जन्म मिलेगा राहुल। बाबा गलत है ये, कुछ कर दो। माता कुछ बोला ना, मुझे क्या कर दो, मैं बहुत ही दर्शन, मैं तो बहुत दिन को भरा हुआ हूँ, और मैं आ जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, वो एक आध साल रुक नहीं सकता क्या, आ जाएगा ना, रुक। माता बोला ना कुछ, कुछ बोल दो, कुछ तो बोला। लेकिन मुझे पैदा कर दो बाबा, मुझे पैदा कर दो बाबा, मुझे पैदा कर दो। हम तो उसी को जन्म दिया, आप नहीं मानने वाले, आप बहुत बेकार हो, बहुत बेकार हो आप। बाबा पूरे से पैदा कर दो बाबा, मुझे मैं इनके गोद में खेलना चाहता हूँ दोबारा। ये साथ भी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मैं भी खेलना चाहता हूँ ऐसे इनकी गोद में। इनकी गोद में खेलना चाहते हो? मैं इसकी गोद में खेलना चाहता हूँ, इसकी गोद में खेलना चाहता हूँ मैं दोबारा। मेरे से गलती होगी उसको माफ कर दो, तुम इतने बड़े बड़े उनको अपराध को माफ कर देते लोगों के, इसको अकबर को बुला कर माफ कर रहे हो तुम, उसको क्या बोलते हो उसका चर्बी वो कर देते हो, उसने तो इतने मुझे बुरे बुरे भी खराब किए लोगों को, नहीं मारा उसने कितने लोगों को मारा, करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को मारा उसने, उसको तुम कर दोगे, हमको क्या बोलते नहीं करोगे तुम। परिवार में किसी को नहीं मारा बाबा, तो राजा था उसका धर्म था बाबा, मैंने गलती करने की सोची, कोशिश करी, लेकिन बाबा क्या होता, अभी तो ये लड़का है ना, अब मेरे को माफ कर सकते हो, उन्होंने तो उन्होंने मारा था साले राहुल को, तो उसने एक लाइन बताओ। हाँ बाबा, मरने के बाद हाँ तुमने कोई एक अच्छा काम किया तो बताओ। ऐसे ही मर गया था मैं, हॉस्पिटल में मर गया था बाबा, हॉस्पिटल में मर गया था, मेरी सास ऐसे चल रही थी, मेरी सास इसका कष्ट दूर कर दिया जाए। आराम मिल गया, अब तो कष्ट नहीं है, जो मरते समय कष्ट था तुम्हें अभी तक बना हुआ था, है? अब तो नहीं है, अब नहीं है। मेरा बहुत गलत हुआ था, मेरा मेरे पापा गलत। मरने के बाद आदमी को वही कष्ट बना रहता है तब तक जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, मेरे पापा उसी कष्ट में हमेशा रहता है। आदमी सोचता मर गए तो चलो बेचारे का कष्ट खत्म हो गया, कष्ट वष्ट नहीं खत्म होता। जिस कष्ट में मरता है व्यक्ति, मरने के बाद भी उसी कष्ट में रहता है वो, दो 400 साल 500 साल 1000 साल जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता,
उसी कष्ट में तड़पता रहता था, वो तड़प रहा था, तड़प तड़प कपारी का था पापा, मार दिया चमीला ने मुझे, अभी इसका कष्ट दूर किया बाबा, ओ बाबा मैं बहुत प्यार करता था आपसे, बहुत प्यार करता था, मैं सोच रहा था इनमें मेरी कोई दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह से रिंग, अब तीन भाई। अच्छा बात सुनो, इधर से आनू, तुम्हारा एक जन्म होगा पशु योनि में, बाबा जी बात सुनो, दंड है ना, प्रकृति का दंड है, पहला एक जन्म होगा तुम्हारा पशु योनि में, उसमें मृत्यु के बाद, तो बाबा ऐसे तो पशु तो बहुत दिन जीवे, अब हम क्या एक दिन जी के दोबारा आएगा, हम तो क्या होता मर जाएंगे, तुम तो राहुल के भेजोगे ना, मुझको तो पशु बना दो, तुम कीड़ा बाबा चीटी बना दो मुझे, तुरंत मार दो मुझे, चीटी बना कर तुरंत मारा मुझे, पहले पहले मुझे मारा तुरंत, अभी मार दो मुझे चीटी बना के, मार दो तुरंत पैदा, अब मुझे तुरंत पैदा कर दो, कुछ मत बना मुझे, मुझे कुछ नहीं बनना, मच्छर बना दो, मच्छर बना दो ना मुझे, मर जाऊंगा जल्दी से, कुछ सूक्ष्म जीवी बना मुझे, सूक्ष्म जीव ताकि मैं मर जाऊं जल्दी, और तुरंत अभी बनाओ मुझे, और तुरंत मर के दोबारा मेरे को यहीं पे स्थापित करो, मेरे को आप तो क्षमा तो कर नहीं रहे, मारने की बातें न कर रहे हो, क्षमा नहीं करोगे मेरे को, समझना क्षमा कर दोगे तुम, किसको क्षमा किया, अकबर को नहीं किया, चार तो इतने महाराणा प्रताप में कितने लोग मारे उसने, अच्छा युद्ध में पूरी खून कर दिया सब, लाल कर दी मिट्टी, वो तो युद्ध किया उसने, युद्ध किया था, लोग नहीं मरे, राजा का धर्म है उनके लोग की रक्षा, अरे राजा विस्तार, मौत ये तो देखो, लोग तो मर गए ना, धर्म हो कुछ भी हो, अपने भाई को लोग तो मर गए, अकबर ने अपने भाई तो उसके बेटे ने तो मार दिया ना उसको, हाँ तो बेटे को दंड मिलेगा, बेटे को बेटे को दंड मिलेगा, बेटे क्या नाम था अकबर, बेटे क्या नाम था, हुमायूं, बुलाओगे क्या उसको भी आप, हुमायूं अब मत बुला उसको भी, अकबर ने बुलाने लगे जाओगे तो हुमायूं नहीं, सलीम दा सलीम सलीम तो उसको भी अब मैं बुलाना मत पर उसको, उसको भी बुला दो कहीं, उसको भी देखो मन कर जाता है उसको ही बुला देते हो, कोई भी हो कोई भी हो कोई भी हो, लेकिन बुलाना नहीं, किसी को बुलाना नहीं है, अभी अकबर को बुलाया था, नहीं मत बुलाओ, अकबर के बेटे को बुलाए, किसी को मत बुलाओ, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने भी मारे बस, लेकिन मैंने तो नहीं मारा, कोशिश करी, उसके दंड मुझे दे दो, पिटाई लगा दो, मुझको भी बांधो तारों से अभी भले ही, पिटाई लगा दो मेरी, इतने है तुम्हारे तो क्या बोलते है, चले चपाटे है पूरी दुनिया में, है कुछ भी कर देंगे मुझे, तो यहीं पे मार दो ना तुम, यहीं पे मार दो मुझे, तुरंत मार दो, पैदा कर दो कुछ, सूक्ष्म जीवी बनाओ जो सेकंड भर में मर जाओ, दिमाग बहुत चल रहा है, तो अब ऐसा किया जाए तो बाबा देखो प्लीज हाथ जोड़ दो, हिरण बना दे, हिरण अब कुछ भाई हिरण बनाओ, समय नहीं बाबा, कुछ मत बनाओ, मैं कहता रहो, टाइम लगेगा, देखो बाबा देखो, शेर बनना है, शेर कुछ नहीं बनना, शेर ही नहीं बनना मुझे, कुछ नहीं बनना मुझे, ऐसा मुझे तो गलती की क्षमा कर दो, अभी राहुल को तो भले घर में भेज दो उसको, ऐसे ही वो थोड़ा सा सुन लेगा क्या बातें हो रही है, थोड़ा सा है, उसकी बीवी बेचारी परेशान रहती है, उसकी बीवी से बात करा देते, उसकी इतनी परेशान रहती है वो, है उसकी 30 साल शादी हुई, लेकिन वो कमाने के लिए राजस्थान चले गया, कि सोचा कि क्या उधर पैसे कमाने लगूंगा तो अपनी बीवी को भी खुश रखूंगा, परिवार को भी खुश रखूंगा, लेकिन वो मर गया, 3 महीने भी नहीं रहा उसके साथ वो, शादी क्या हुई उसकी, शादी तो नाम की शादी हुई, 30 साल में 3 महीने रहा, राहुल किसने मारा, राहुल तो चमीला ने मारा है, बाबा पर बाबा ही तो है, तुम्हारे पर बाबा थे ना, हाँ उसने मारा, दूल्हे राम का बाप है वो, अच्छा दूल्हे राम को भी तो उसी ने मारा, अपने घर को भी मारा उसने, हाँ राम पति को भी मारा, तुम्हारे बाबा को तुम्हारी दादी को उसी ने मारा, हाँ और क्या बोलते उनको भी कसाईयों ने मारा उसको, उस मान सिंह को, अच्छा
कौन सा ताऊ? रामचरण को। अच्छा वो सलीम का क्या हाल है? हाँ सलीम वाली बंदा मत बुलाओ तुम, मुसलमान ने बुला दीजिए उनको, उनका उद्धार करने लग रहे हैं, हमको नहीं कर सकते। जहांगीर ने काम किया, बड़ा नेपाली माना जाता है। पता चल जाएगा गुरु जी। जहांगीर बाबा जहांगीर वहांगीर ने मत बुलाओ तुम, ये मत बुलाओ तुम उनको, बाद में क्या होता देखेंगे उनको कभी। अब तुम तो मेरा उद्धार कर दो बाबा। चलो नहीं बुलाएंगे, लेकिन बात सुनो, प्रकृति का जो न्याय वो तो मानोगे ना? तो न्याय मैं बताता रहूं? अरे तुम्हारे हिसाब से न्याय चलेगा? न्याय ये है कि एक जन्म तुमको पशु योनि मिलेगा, है पक्षी योनि भी देते हैं बाबा प्रार्थना करो। अच्छा बाबा प्रार्थना करो कि पक्षी योनि में जन्म मिल जाए। दाना चुकता डालूंगा क्या मैं? यही काम है क्या मेरा? मैंने ऐसा कौन सा मरने के बाद हो गया गलत काम, लेकिन जीते जी तो मैं अच्छा इसे बेटा मर कर पूछ लो पापा से। मैंने कभी भी जवान लड़ाई हो तो कुछ भी नहीं किया आज तक, मैंने ऊंची समाज में क्या नजर उठा कर भी जीतेगा पापा को? तो तुमको दोबारा जन्म मिलेगा मनुष्य। आप क्या बोलते हो, इतने साल ऐसे ही बता दोगे मुझे? तो दंड है ना तुम्हारा, तुमने भाई को मारने की कोशिश की मरने का। बाबा क्यों, पापा को भी परेशानी होगी, पशु बना दिया। पापा कोई परेशानी नहीं, पापा को भी होगी परेशानी, पूछ लो बोले ही। अच्छा? पापा को भी परेशानी होगी, उसका बेटा जाएगा तो पशु बना दिया तुमने, अच्छा लगेगा क्या? और बाबा तुम क्या बोलते हो, छपा कर दो आप तो पेजों को फाड़ देते हो, जो भी रह जाता है मेरे इतने सारे काम रह गया अधूरे, उनको तो नहीं देखा हमने बिल्कुल भी। सब बाबा तो बाबा बोले ना तो सारे काम हमने बिगाड़ सुधार देते, बिगड़े काम हमने सारी गलती को भी क्षमा कर देते है। अब मेरे को तुम क्या विधि के विधान से न्याय कर दोगे? क्या मैंने क्या गलती कर दी ऐसी लेके थोड़ी गया मैं, कोशिश तो की थी, किसी चीज तो की थी, पूछ ले चाचा से बोले मैंने कोई गलत किया तो मैं बाबा के आज्ञाकारी था, बाबा ने जो बोला वो किया मैंने, आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया बाबा को दोबारा इसे बाबा मुझे देखो बाबा आपके हजारों साल भटक आप तो बस एक मनुष्य एक पशु योनि के बाबा बाबा बजा। अब पापा बोल देना मुझको बचवा दो पापा, बाबा वो भैंस को जोर बना देंगे मुझे भाई, गाय भैंस बना देंगे। अब पापा बोलते क्यों नहीं है, आवाज नहीं है क्या? अरे नहीं बोल रहे पापा, बाबा बोलो, बाबा चाचा बोल रहे, बाबा नहीं बोल रहे, बाबा बोलो। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, तुम्हें ये तो स्वीकार है कि राहुल अब तुम्हारा बड़ा भाई बन के रहेगा, अब तुम छोटे हो जाओगे उसी काम में। अब तुम तो न्याय करके मानोगे, कर दो तुम जो भी न्याय करना है कर दो तुम। तुम्हें बड़े होके पैदा होना है। और क्या, बड़े होके मैं बहुत प्यार करूंगा उसको, फिर छोटे रह के प्यार कर लो। छोटे रह के नहीं करूंगा, मैं पहले आना चाहता हूँ, मैं पापा की गोद में खेलना चाहता हूँ, मैं पापा की दादा दादा कहूंगा, मैं पापा को दादा दादा कहूंगा। मेरे को क्या बोलते भेज दो ना बाबा, माता बोल दो कुछ बोल दो, इसको वापस भेज दिया जाए। राहुल, राहुल को लाया जाए। बाबा नमस्ते बाबा, माता नमस्ते, मम्मी को मार दिया, मैं मर गया, मेरी बीवी बिजला हो गई, छोटी सी बच्ची भी है मेरे पास। हाँ मैं तो ऐसे ही बोलता था उनको, मोमाया नहीं मेरे को नहीं है मोमाया बच्ची की, मेरे को नहीं है मोमाया बच्ची की, लेकिन क्या होता मैं बहुत प्यार करता था अपने बीवी बच्चों से, दोनों से करता था मैं, उन्हीं की खुशी के लिए तो, माँ बाप की खुशी के लिए तो कमाने गया था, मुझे क्या पता था मार देंगे भूत प्रेत, मुझे मार दिया चमीला ने मुझे बाबा, तुम्हारे पर बाबा ने, चमीला पर बाबा ने, हाँ बाबा मारा तू चमीला ने।
अरे तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें मारने की कोशिश करता था। भाई का भाई भी करता था, लेकिन क्या बोलते वो नहीं, उसने भी मारा मुझे। मारा नहीं उसने, कोशिश करता था, उसको पता नहीं क्या पड़ी थी, वो भी कोशिश करता था मुझे, लेकिन बाबा अच्छा था, वो भी अच्छा था, जीते जिए ने मेरे, हमारी बहुत ख्याल रखा इन दोनों भाइयों का, बहुत ख्याल रखा उसने, बहुत अच्छा भाई था। आज भी क्या होता है, एल्बम बना के रख रहे, क्या वीडियो देखते हैं, आज भी हम उसके भी गड्ढी नहीं देखते, आज भी यादों में पूरा ताजा है, बिल्कुल बहुत अच्छा भाई था, बहुत ही ज्यादा उसके बगैर हम नहीं रह सकते बाबा, इतना अच्छा भाई था, बहुत ज्यादा अच्छा भाई था। हम सोच रहे थे वो जाने के बाद हम कैसे जिएंगे, मर जाते बाबा, ऐसा सोचा था। तो कैसे हुई थी बाबा, एक्सीडेंट हो गया था मेरा, किससे? बाइक चला रहा था मैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ किससे एक्सीडेंट हुआ था। रोड तो काली था, कुछ भी नहीं था रोड पे, तो काली रोड था, डिवाइडर में टकरा गई गाड़ी। वही बात, डिवाइडर में टकरा गई, तीन दो और बैठे थे, एक में और आवे भूत, वहां में चिल्लो नाम की लड़की में बुआ लगे मेरी, वहां में उसमें आते भूत जिंद आते, वहां जो आपने सैयद निकाला उन्हें वो कसाई, वही उसका इलाज करता फिर 15 दिन पहले, वही कसाई था उसके अंदर, उसी ने मारा है, वही लेके गया मुझको भी, डिवाइडर में टकरा दी मेरी गाड़ी, मेरी गर्दन तोड़ दी, मैं बहुत तड़पा, और मेरे को पापा याद आ रहे थे वहां पे, और मेरे को मम्मी याद आ रही थी वहां पे, कोमल याद आ रही थी, मेरे को शान भी याद आ रही थी, मैं सोच रहा था इनका क्या होगा, मुझे बचा लो, मैं सोच रहा मुझको बचा लो, मुझको इनका बहुत याद आ रही थी, ये तो बेचारे दिल्ली में थे, मैं तो गांव में मर गया वहां पे, ओ मैं तो क्या बोलते, मेरे मुंह से खून आ गए, नाक से खून आ गए, ये लड़का भी बहुत रोया, इसके सर के खून को देख कर बहुत रोया, ये पागल हो गया, ये वो दोनों भाइयों से बहुत प्यार करता है, अभी भी बहुत प्यार करता है, बेचारा डायरी लिखता अपनी आप बीती लिखता है, मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा लगता है इसको मैं भी मर जाऊंगा, इसको लगता है, पक्का लगता है इसको मैं भी मर जाऊंगा, कितने दिन जीऊंगा। वो 21 नवंबर 2013 को खत्म हुआ बाबा, मैं 9 फरवरी को खत्म हुआ 2020, अभी खत्म हुआ बाबा मैं 4 साल में, 7 साल 2013 में 21 नवंबर को 7 साल हो गए, 6.5 साल हो गए, 6.5 साल से ज्यादा नवंबर में। अच्छा बाबा, हम तीनों भाई बहुत अच्छे प्यार प्रेम से रहते, और मरने के बाद गलती हो गई वो तो हम नहीं जानते, लेकिन जीते जी बहुत प्यार था, बहुत ज्यादा प्यार था, बहुत ही ज्यादा प्यार। सयानू को इसलिए दंड मिल रहा है, जन्म तो मिलेगा मनुष्य का, लेकिन दंड इसलिए मिल रहा है उसको, एक बार पशु होंगे। आप मुझको भेज दो बाबा, है? मुझको भेज दो, हाँ कोमल के साथ। अच्छा सयानू को तो बाद में भी भेज दोगे आप, हाँ मुझको भेज दो। हाँ तो जब से अब बाबा मुझको है ना, क्या होता है आपका खत्म, उसके बाद से आप यहाँ परेशानी ज्यादा बढ़ी होगी। हाँ बाबा, बहुत बहुत ज्यादा परेशानी। ने थोड़े गलत काम नहीं किए, सयानू ने बहुत बहुत गलत काम किए, इसको भी मारने में सयानू साथ था। हाँ बाबा, ये भी था, था? ये भी था चमीला के साथ, ये भी था मेरे, इसके था, इसको भाई चमीला भी था और ये भी था, मरने के बाद इनका दिमाग पता नहीं चल रहा था, लेकिन अच्छा था बाबा, वो मार दिया मेरे को उसका गम नहीं, लेकिन शानविया से प्यार बहुत है मुझे, बहुत ज्यादा प्यार है, शानविया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था शानविया, बहुत अच्छा, कर लो बात, आप भी बाबा कितने अच्छे, बाबा तुम भी तो कुछ बात कर लो मेरे से, तुम तो कुछ बोल ही दे रहे, शांति हो गए, वैसे तो बोलते इतना बोलूंगा वहां पे, इतना बोलूंगा यहाँ पे, तो तुम्हारी बोलती भी नहीं निकल रही, अरे यहाँ पे नहीं चलती, रो रहे हो क्या, रो रहे हो, रो रहे हो तुम, मुझे पता है रो रहे हो तुम, रो रहे हो तुम, रो लो तुम, रो ले तुम, मैं तो मर गो, मेरी कोमल का क्या होगा पापा, ओ मेरी कोमल विधवा हो गई, अरे वो तो मैं रही भी नहीं साथ में मेरे साथ, वो चोरी को तो मैं खिला भी नहीं पाया, मेरी साथ भी को खिला नहीं पाया। शादी की 6 मई को हुई थी बाबा, 6 मई 2017
2017 में हुई थी 6 मई को शादी के कितने साल बाद बच्ची कब पैदा हुई 11 मई 2018 एक 2 साल हुए हैं अब उसको 11 मई को के सामने पैदा हुई हाँ मैंने खिलाया उसको बर्थडे मनाया था पहला बर्थडे मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका मैंने बहुत अच्छे बर्थडे मनाया मेरे पापा ने या चाचा ने तो मना करी थी बर्थडे मनाने के लिए या कि बीवी भी वो हो गई थी आए नहीं थे मेरी बेटी के बर्थडे में ये आए नहीं थे ये पता नहीं क्या सोच रहे इसकी बीवी में कुछ ज्यादा ही हेट है ज्यादा हेट है हाँ चाचा मैम आपकी भी मौसी से भी प्यार करता हूँ मैं बहुत करता हूँ लेकिन मेरी बेटी की खुशी हजम नहीं होती क्या तुम अरे मेरे पापा ने क्या ऐसी गलती कर दी तुम सजा देते रहते हो मेरे पापा को गलत बोलते रहते हो तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आती क्या दुनिया के लिए तो तुम लाखों रुपए खर्च करोगे मेरे पापा के लिए पूछा है कभी कितनी जरूरत है मैं वहां पे कमाने गया मेरे पापा के लिए गया कोमल के लिए नहीं गया मैं खर्चा नहीं है घर में खर्चा नहीं है दिया का खर्चा तुमने दिया का मेरे पापा का खर्चा मेरे पापा की जिंदगी खराब कर दी तूने अपनी तरफ से घूमो सुना अपनी तरफ से घूम देख चाचा अभी कान खोल के भाइयों को कान खोल चुप रहा पहले मेरे पापा की आज तक ना कोई गलती थी ना रहेगी आगे मेरे पापा ने जी जान दिए तेरे लिए सत्य है ये पूरा हकीकत है मैंने क्या कमी छोड़ी भाई के लिए कमी क्या मरते को बस सहारा दे देते हो बस मरते को खुशियां तो कभी देंगे नहीं जब मरने लगोगे तब दोगे 2-4 रुपए ली कभी पूछा है मेरे पापा को किस चीज की जरूरत है जब से तुम अलग हुए हो ना चले गए गोविंदपुरी से छोड़ के तब से मेरा पापा कैसी जिंदगी जी रहा है मैं जानू यार मुझे पता है मेरा पापा बहुत दिल दिल क्यों मरता है रोज रोज मरता है दया कर ले अभी भी मरता है संभाल ले तेरे भाई ने तो है ना अपनी जान से ज्यादा प्यार किया पैसा नहीं था क्या हुआ दिल तो बढ़ाया का दिल इतना बढ़ाया इसका पूरे परिवार लेके चले पूरे परिवार तेरे को भी लेके चले लेकिन यकी बात बस इसकी एक ही गंदी आदत है गाली दे ये और ये चीज तुझे पसंद नहीं पंडितों से तो गाली खा कहा जाएगा है? भाई गाली दे देगा तो वो तो तेरे सहन नहीं होती ब्राह्मणों की सेवा करता हूँ ब्राह्मणों की पापा ने इसलिए 1,13,000 रुपया रोके वाके जो वहाँ पे फैक्ट्री लगा के बैठो वहाँ के 1,13,000 इसलिए रोके कि पापा के पास खर्चा नहीं था पैसे नहीं थे ताकि मिल जाएगा तूने दिया का खर्चा उसके बाद दिया तूने दिया क्या मम्मी को दो-दो मकान दिया तूने दो-दो मकान तो मेरे घर में अरे ऐसी की तैसी कर लावा मकान की घुसा देगा कहाँ मकान है मकान है घुसा देगा कहाँ मकान को इसको लेके मिल जाएगा अरे इज्जत तो करना चाचा अरे कोई बात कर ले मेरा बाप को भी मार देगा तू ऐसा है दुनिया को लुटाने के चक्कर में अपने भाई का खुशी लुटा अच्छा इधर देखो मेरे को हाँ बाबा मेरे पापा को ना बहुत दुख दिए इन्होंने इसने अच्छा तो बहुत है मैं ये नहीं कह रहा गलत है बहुत अच्छा है इस यही है बस अच्छा और कोई भी नहीं है लेकिन बस मेरे पापा पैसे कमा रहा है पैसे नहीं है इसके पास बिल्कुल भी इसके पास मकान तो दुनिया को दिखते हैं 4-4 मंजिल 6-6 मंजिल के बने बनाए लेकिन घर में देखो खाने के लिए नहीं है क्योंकि पैसा तो सब इनके पास है हैं ये छोरा को 8,000 रुपए उसके एक किराए के दे देता था हैं कुछ दिन बाद वो भी इसको वो लगने लगे कि मेरे 8,000 रुपए चले जाते हैं रानू ऐसा कर तू है ना रुपया मेरे को दे जा कर उसको भी मना कर दिया किराएदार को भी अच्छा कोई बात पैसे से बाबा पैसे से बहुत तंगी है यह छोरा भी है ना ये आज भी तिल तिल के यही मरता रहता है कि क्या होता है आगे की जिंदगी पता नहीं कैसी चली हो जाएगी ये लड़का तो बहुत प्यार करता है अपने चाचा को बहुत प्यार करता हूँ मैं चाचा को मौसी को मौसी तो हद से ज्यादा चाचा से ज्यादा चाचा ने आज तक तो मेरे को है ना एक सीधा सा प्यार से एक वर्ड नहीं बोला बाबा कसम से कह रहा हूँ एक वर्ड बोला हो पूछ लो चाचा से हमेशा उल्टी नौ खरा ये तो भाई हाथ है यहाँ मतलब लखनी नहीं है कोमल की पता नहीं क्यों शादी करवा दी इससे ऐसे ऐसे बोले हाँ अरे बेटा तो हूँ इनका है क्या करो तो बस मेरी एक ही गंदी आदत थी मैं जो था सत्य था
ए, उसको बोल देता था चाहे गलत लगे या अच्छी लगे बुरी लगे, मुझे मतलब नहीं उस चीज से, मैं जो ठीक है बोल दूंगा उसी बात पर डांट खाता हूँ। मेरे हाथ में थोड़ा जस भी नहीं था, कुछ भी काम करता अच्छे के लिए कि चाचा सब बासी देंगे, गलत हो जाता गाली खाता। अच्छे बहुत हैं, अच्छे बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा, भगवान है भगवान, पूछता हूँ मैं इनको, लेकिन थोड़ा सा पापा के लिए भी रहम हो जाए, रहम दिल आ जाए ना। ये अलीगांव वाले ताऊजियों के चक्कर में उनकी बातों में आके ना इतने गुमराह हुए हैं बाबा, हैं पंडित जी ऐसे करके वो भड़काते हैं इनको, भड़काते हैं। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। चलो अब एक काम करो बाबा, पहले तो आशीर्वाद दे दो बाबा मुझको, मेरे को बहुत जरूरत है आशीर्वाद की, मेरी कोमल रह गई, विधवा होगी मेरी कोमल। अब बाबा हमारा तो जन्म इसी घर में होने वाला है, क्यों परेशान, कोमल को कुछ ऐसा करो जो क्या बोलते उसको दोबारा नया जीवन मिल जाए, उसकी शादी करवा दो इसी से ही। अब ये क्या बोलते हो, नहीं तो इसकी मम्मी तो है ना इसकी दूसरी शादी कर देगी, इसकी मम्मी नहीं करेगी, वह कोमल को बेचारी परेशान रहेगी। अरे इसकी मम्मी बहुत बुरी है, अरे जब तक मैं तो ये लड़का ना ऐसे बोलता है कि जब तक ये लड़का अपनी भाभी को ऐसे बोलता है कि जब तेरे ससुर बोल दे ना कुछ भी तब तू सोच लिया बुरे दिन आ गए तेरे इस घर में, जब तक तेरा ससुर है ना तब तक तुझे परवाह करने की जरूरत नहीं है, मम्मी की बातों को तो टाला कर तू ऐसे ही, तो मत कर चिंता, मैं क्यों नहीं करूँ, मेरी बहू है, मैं मेरी बीवी है, वो मेरी भाई बीवी मर गई, मैं बहुत सुंदर थी बहुत अच्छी थी, कभी नहीं लड़ाई मेरे से, कभी तुमसे नहीं लड़ी, कभी नहीं लड़ी, मैं ही लड़ देता था उसको बेचारी को, बहुत लड़ा मैं, बात बात में नाराज कर देता था। गाड़ी तुम लड़ा लो किसी में, तुम में कोई लड़ा दे देगा क्या बाबा, तुम लड़ ली है मतलब वो लड़ती है की बात, लेकिन बाबा बहुत अच्छी थी वो, बहुत अच्छी, आज भी रोती है वो बहुत, अभी 4 महीने का बच्चा, लेकिन फिर भी। अच्छा सुनो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, तुम्हें शरीर में कष्ट है, है? एक्सीडेंट वाले कष्ट बने हुए सारे, आपने निकाले थे बाबा मेरे कष्ट, कष्ट निकाले थे उस दिन, अब तो नहीं है, अब तो नहीं कोई कष्ट कहीं, देख लो यहाँ पे दुखता है, यहाँ पे दुख रहा है, यहाँ पे बहुत दुख रहा है, चोट लगी थी वहाँ, लगी थी तो वो भी निकाल दे, ये चोट निकाल दी जाए, ठीक अब बढ़िया, नहीं तो तुम पैदा होते ये कष्ट लेके पैदा होते बाबा, एक तो थोड़ा दिमाग अच्छा देना मेरे को, बहुत अच्छा है। जो घर वाले बहुत प्यार करे मेरी बात माने, और एक मेरे को काले से गोरा बना देना बस, ये काले काले कहते हैं मुझको, मेरे को काले दोबारा मत बना के भेज देना, मेरी बहू जितना गोरा बनाना मुझे, बहू जितना गोरा, कोमल जितना गोरा बनाना बाबा मुझे, आप तो कुछ भी कर सकते बाबा, बना लो ना कोमल से कम मत बनाना, कोमल जितना, वो कहती थी मुझे काला है तू, काला है, अच्छा ऐसे कहती थी, कोमल कहती थी मुझको काला है तू, अच्छा तुम्हारी बहू कहती थी, बहू कहती थी अच्छा? लेकिन प्यार भी करती थी, लेकिन काला भी कहती थी वो मुझे, कहती थी बहुत काला, काले थी। तो भगवान आती थी हाथ, कोई देख कितने गोरे तेरे, मेरे हाथ देख तेरे कितने काले, ऐसे बोलती थी वो मुझको, अच्छा देखो भगवान राम काले थे, मैं नहीं मुझे पर गोरा होना, अच्छा बात सुनो, देखो शिव काले थे, नहीं बाबा तो वो तो भगवान है, कृष्ण काले वो तो भगवान है, बताओ काला भगवान हो जाए फिर अच्छी बात है कि नहीं, ना वो तो कितने कुछ भी कर सकते हैं वो तो, उनको दिन के बहुत बाबा भोलेनाथ की तो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, कितने को मैं नहीं दे, भोले बाबा को बोलता हूँ बाबा तो बस, अच्छा ठीक है चलो बाबा, मुझे पहले गोरा बना के भेजो, अच्छा गोरा बनाओ पहले मुझे, अच्छा पहले मुझे गोरा बनाओ, दिमाग ठीक करो, दिमाग ठीक कर दे, हाँ अच्छा दिमाग तो हम एक सेकंड में ठीक कर देते, देखो कैसे, गोरा भी तो बना दो, पहले देखो दिमाग कैसे ठीक करते हम, देखो 1 2 3 दिमाग ठीक कर दिया जाए, काले गोरे का भेद खत्म कर दिया जाए बाबा, फिर भी कर दो तो बाबा कर दो ना,
माता बाबा से बोलो ना कर देंगे वो मुझको गोरा कर देंगे काला बना के भेज देंगे। गुणवान बनना है कि नहीं? मुझे साइंटिस्ट बना दोगे? अच्छा जैसे तुम्हें गोरा बना दिया जाए बुद्धि ना दी जाए। ए बाबा ऐसे फायदा क्या है? ए बाबा अब कोमल कैसे पैदा होगा तो काला अच्छा लगेगा क्या? जैसे चलो ठीक है जैसे माँ होगी वैसे बढ़िया होगी। हाँ माँ होगी वैसी। हाँ तो माँ तो कोमल तो बहुत गोरी है। अच्छा हाँ तो ठीक है फिर क्या बच्चा कुछ होगा? हाँ गोरा होगा बाबा गोरा बना दो और अच्छा दिमाग दे के भेजना बाबा। अच्छा जो मैं सुनू सी हाँ अच्छा बहुत अच्छा करो। मैं अपने बाबा के लिए ना दिमाग साफ हो गया नहीं हो गया देखो चेक कर दो बाबा और थोड़ा सा और कर दो थोड़ा और साफ कर दे। बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हो गए अब देख लो। अच्छा दिमाग अच्छा हो गया। अच्छा बस ऐसे बढ़िया दिमाग के साथ पैदा हो गया। ठीक है चलो अब जहाँ तुम लाइन में लगे हो अपने अगले जन्म के लिए वहीं पहुँचो। चलो जहाँ भेजे गए भेज रहे हो ना बाबा कोमल के गर्भ में। हाँ जल्दी बिल्कुल लड़का बनाओगे ना? हाँ हाँ जल्दी चलो जल्दी चलो बाबा आशीर्वाद दे दो पहले जल्दी जल्दी। चलो बिल्कुल वहीं चलिए। एक दो और तीन लो हम तो जहां जी को बुलाने वाले थे जहाँ जी को भाभी बुला दे मेरे हाथ में ना हाथ पैर में झंझनाहट सी होती है छू जाता ना जैसे पैर हाँ वो होती रहती है। एक मिनट खत्म कर देते आज बात बोलो अब कहाँ हो रही है? अभी तो नहीं हो रही लेकिन ऐसे हाथ हाथ ऐसे जाता है तो पूरा एकदम सू जाता है हाथ वाइब्रेट करने लगता है। बाबा वो मेरी बहन है वो एक महीने से नहीं बोल रही मेरे से वो हर बात में ना लड़ाई गाली गलौज करने लगती है। अच्छा हाँ मेरे से बोली नहीं है भाभी से बोलेगी मेरे से नहीं बोलती तो इसको थोड़ा सा ऐसे कि बोलने लगी। अभी शादी नहीं हुई ना? शादी नहीं हुई ना उसकी? बीएससी नर्सिंग करी है।